नमस्कार, मैं हूं जोगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। आज का पहला परीक्षण सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिली सुप्रीम राहत का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। आम आदमी पार्टी से न्याय की जीत और घमंड की हार बता रही है। क्या केजरीवाल को बेल मिलना ईडी की हार है? बेल मिलने के बाद भी केजरीवाल जेल में क्यों रहेंगे? ईडी केस में केजरीवाल को किस आधार पर जमानत मिली? सुप्रीम कोर्ट की टर्म्स और कंडीशन के साथ केजरीवाल की रिहाई में अटके रोड़े का परीक्षण आप मेरे साथ देखते रहिए। दूसरा परीक्षण पुणे की पिस्टलबाज मम्मी और उसकी आईएएस बेटी की दबंगई का होगा। पावर का नशा जब घमंड में बदलता है तो समाज में परेशानी बढ़ जाती है। ताकत का यही गुमान ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर और उसके परिवार के सिर चढ़कर बैठा। वीआईपी बत्ती, कार, बड़े दफ्तर, बड़ा सरकारी घर और कोटे के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लेने का मसला अभी निपटा नहीं और एक नया विवाद इस परिवार के साथ आज और जुड़ गया है। ट्रेनी आईएएस पर आरोप है कि उसने एक चोर को रिहा करवाने के लिए पोजीशन और पावर का गलत इस्तेमाल किया, पुलिस पर दबाव बनाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय अब फाइनल फैसला लेगा। शक्ति, संस्कार और अहंकार का प्रदर्शन देखिए मेरे साथ। तीसरा परीक्षण हाथरस कांड का होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस केस पर सुनवाई हुई। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामला गंभीर है और चिंताजनक भी। हालांकि सर्वोच्च अदालत इस केस पर सुनवाई करने से मना कर गई, इस तर्क के साथ कि हाईकोर्ट इस मामले पर उचित आदेश पास करने में समर्थ है। बाबा पर सरकार भले ही खामोश है, पुलिस और अफसरों पर एक्शन हो रहा है, लेकिन बाबा पर क्यों नहीं हो रहा? भोले बाबा पर सिस्टम की मेहरबानियों का सच मेरे साथ जानिए। चौथा परीक्षण योगी सरकार के एजुकेशन मॉडल का होगा, जिसमें गरीबों के हक पर डाका पड़ने की शिकायतें हैं। विवाद में केंद्र जो है वो गाजियाबाद और नोएडा के स्कूल हैं। आरोप है कि दोनों जगह आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों को राइट टू एजुकेशन का लाभ नहीं मिल रहा है। 5 तारा स्कूल ठेंगा दिखा रहे हैं। आपको मुरादाबाद लेकर चलेंगे। यहां स्कूलों में अर्थव्यवस्था की अलग ही कहानी है। वहां स्कूल ज्यादा हैं और टीचर कम, जो हैं वो डिजिटल हाजिरी से परेशान हैं। अनुदेशकों की अलग ही टेंशन है, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है। इस बड़ी समस्या का समाधान क्या है, जानने के लिए पटियाल के साथ रात 9:45 तक बने रही। बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए। कि ईडी के मुकदमे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से और उनको आम पुष्ट करके भारतीय जनता पार्टी में लाने की भावना से केंद्र सरकार लगा रही है। आज जो ऑर्डर आया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं है, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में दोषी हैं। कोई तानाशाही, तानाशाह आकर किसी एक पार्टी को, किसी विपक्षी दल को इस तरीके से खत्म करने का प्रयत्न ना करे, इसलिए ऐसे जजमेंट देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों पे लिखे जाने चाहिए। ये दिल्ली का विश्वास जो उन्होंने केजरीवाल जी को 3 बार लगातार दिल्ली की जिम्मेदारी दी, ये लोगों के विश्वास का झटका है। शराब घोटाला है, ये भी भाजपा के कार्यालय में लिखा गया था। बेल अपने आप में क्वेश्चन खड़ा कर रही है कि हाँ दोषी है। बहुत बड़ा झटका जो है भारतीय जनता पार्टी देश की सर्वोच्च अदालत ने दिया है। आज पटियाल का पहला परीक्षण देश की सुप्रीम जांच एजेंसी को मिली सुप्रीम सीख पर होगा। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। आम आदमी पार्टी इसे सत्य की जीत के तौर पर देख रही है। सत्य और असत्य की लड़ाई में क्या ये ईडी की हार है? जमानत मिल गई तो क्या केजरीवाल की रिहाई हो जाएगी? अगर ये रिहाई अटकी है तो इसकी वजह क्या है?
रिहाई के पीछे छिपी सबसे बड़ी टर्म्स और कंडीशन के बारे में आपको बताऊंगा, केजरीवाल की जमानत का आधार भी आपको समझाऊंगा, जिक्र सुप्रीम कोर्ट की उन बड़ी टिप्पणियों का भी होगा जिन्होंने ईडी को कटघरे में खड़ा कर दिया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत की शर्तें जान लीजिए। केजरीवाल को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत मिली है। ईडी ने शराब घोटाले में 21 मार्च 2024 को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने केजरीवाल को राहत देते हुए 50,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर आज अंतरिम जमानत दी। केजरीवाल को बेशक अंतरिम जमानत मिल गई लेकिन फिलहाल वो तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आएंगे, इसकी वजह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट की वो शर्तें जान लीजिए जो अरविंद केजरीवाल को मानने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना तो केजरीवाल सीएम दफ्तर जाएंगे और ना ही सचिवालय। केजरीवाल किसी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो दिल्ली के एलजी से इसके लिए बकायदा अप्रूवल लेना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केजरीवाल मौजूदा केस पर किसी भी तरह से कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और गवाहों से दूर रहेंगे। फिलहाल यह केस बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। बड़ी बेंच केजरीवाल की अंतरिम बेल को बढ़ा सकती है और रिकॉल भी कर सकती है। यहां आपको यह बताना भी बहुत जरूरी है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को सीएम केजरीवाल को इसी केस में 1,00,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी। कोर्ट ने ईडी की जांच पर कई बड़ी टिप्पणियां की थी। इससे ईडी की जांच पर कई सवाल खड़े हो गए थे। कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी सुपर एक्टिव हुई। अगले ही दिन ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई, केजरीवाल की जमानत का विरोध किया, फैसले को एक तरफा और गलत बताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी। इस बीच 26 जून को सीबीआई ने एक्टिव होकर अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के भ्रष्टाचार वाले मामले में गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि केजरीवाल सीबीआई के मुख्य केस में आरोपी नहीं है, फिर भी ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाकर जेल से बाहर नहीं आने दिया। अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई लेकिन सीबीआई के केस में वो अंदर जेल में रहेंगे क्योंकि उसमें अभी वो नहीं छूटे हैं। केजरीवाल को जमानत किस आधार पर मिली इसका परीक्षण भी करूंगा। पहले आप उनके वकील ऋषिकेश को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। बहुत बड़ी राहत है और ये बहुत बड़ी जीत है अरविंद केजरीवाल जी के लिए और उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके अरेस्ट को एक तरीके से इलीगल करार दिया है और ये कहा है कि उनको अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। और जो क्वेश्चन फ्रेम किए हैं कि क्या अरेस्ट जरूरी था या नहीं था, इसके लिए जो है वो लार्जर बेंच को रेफर किया गया है। सेक्शन 19 में अरेस्ट को लेकर क्वेश्चन की नीड ऑफ अरेस्ट क्या है, इंटरोगेशन क्या की जरूरत कहाँ पे है और अरेस्ट की कहाँ पे जरूरत है, इन क्वेश्चन को लेकर उन्होंने जो है इसको लार्जर बेंच को रेफर किया। सीएम केजरीवाल 114 दिन से जेल में बंद है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की जमानत दी थी। 10 मई को मिली जमानत के बाद 2 जून को केजरीवाल ने वापस तिहाड़ में सरेंडर कर दिया था। लेकिन इस बार केजरीवाल की रिहाई में क्या अड़चन है, चलिए अब आपको यह बताता हूं। केजरीवाल ने ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियों की ओर से की गई गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। ईडी जिस केस में उनको गिरफ्तार करती है उस मामले में केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई वाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको एक झटका लगा। थोड़ा विस्तार से समझा देता हूं। कथित शराब घोटाले में सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल की गिरफ्तारी की थी, इसीलिए जब तक सीबीआई वाले केस में उन्हें जमानत नहीं मिलती तब तक केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा। आज जो जमानत हुई है वो ईडी वाले केस में हुई है। सीबीआई वाले केस में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। अब आपको एक बात और बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को आज जो राहत मिली उसका आधार क्या है। क्या ईडी की तरफ से शराब घोटाले में दिए गए सबूत केजरीवाल को जेल में रखने के लिए काफी नहीं है या फिर ईडी के हाथ खाली है। ईडी केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन तो कहती है लेकिन साबित क्यों नहीं कर पा रही है। अब आम आदमी पार्टी के नेता अक्सर आरोप जो ये लगाते थे कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई के जरिए आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, अब उस आरोप को वो फिर से बल दे रहे हैं। ईडी ने
दो दिन पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की थी, जिसमें केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 और आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बताया गया है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आज बड़ी टिप्पणियां की और यही टिप्पणियां केजरीवाल की जमानत का आधार भी बनी है। जस्टिस खन्ना ने यह कहा है कि हमने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 का परीक्षण किया, हमने धारा 19 और 45 के बीच में अंतर को भी समझा है। धारा 19 जांच अधिकारी की सब्जेक्टिव राय है और धारा 45 न्यायालय की ओर से किया गया प्रयोग। कोर्ट ने कहा है कि हम गिरफ्तारी की जरूरत और इंपॉर्टेंस पर विचार कर रहे हैं और इसीलिए इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज रहे हैं। कोर्ट ने पूछा, अगर कोई आरोपी पूछताछ में शामिल हो रहा है तो क्या फिर भी उसकी गिरफ्तारी जरूरी है? कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सिर्फ पूछताछ से ईडी को गिरफ्तारी की अनुमति नहीं मिलती है, पीएमएलए की धारा 19 के तहत यह कोई आधार नहीं है। सवाल केजरीवाल के सीएम पद पर बने रहने को लेकर भी उठा। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टिप्पणी की। बेंच ने कहा, केजरीवाल को 90 दिनों से ज्यादा जेल में रहना पड़ा है, वो एक निर्वाचित नेता है और यह उन्हीं पर निर्भर करता है कि वो सीएम पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और किसी एक केस में अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराध मुक्त हो गए। केजरीवाल के जो नए सहयोगी हैं लालू यादव, उनको भी अंतरिम बेल मिली थी लेकिन बाद में कन्विक्टेड हुए, जेल में जाना पड़ा। शराब नीति में जो घोटाला, जो चोरी आम आदमी पार्टी ने की है, अरविंद केजरीवाल ने की है, उसमें वो दोषी हैं, उन्होंने चोरी की है, लगातार उसको साक्ष्य जांच एजेंसी न्यायालय के सामने रख रही है और उस पर निर्णय अभी बाकी है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार पूरा निर्णय आ जाए, इनके घोटालों की परत दर परत खुल रही है, इनके कई सेरा नेता उस घोटाले में शामिल है, वो सबके सामने आएगा। केजरीवाल को एक तरफ राहत मिलती है तो दूसरी तरफ झटका। केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका भी आज दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, भले ही विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव रहे हों लेकिन वो केस को प्रभावित कर सकते हैं। विभव पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम आवास में मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर और उनके परिवार के विवादों का परीक्षण होगा। आईएएस और उनके परिवार पर आरोपों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। आज मैं आपको आईएएस से जुड़े दो नए आरोपों के बारे में बताऊंगा जो पूजा खेड़कर की मुश्किलें और बढ़ाने वाले हैं। इन दो आरोपों में से एक खुद ट्रेनी आईएएस से जुड़ा हुआ है और दूसरा आरोप पूजा की मां मनोरमा खेड़कर से। मनोरमा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो हाथ में पिस्टल पकड़े हुए हैं और एक जमीन को लेकर किसानों से उलझती नजर आ रही हैं। इस वीडियो की खास रिपोर्ट दिखाने से पहले ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर लगे नए आरोपों के बारे में आप जान लीजिए। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने अपनी हनक दिखाने के लिए सिर्फ लाल बत्ती वाली गाड़ी, सरकारी घर और बड़े ऑफिस केबिन की डिमांड पर ही नहीं बल्कि अब पूजा पर चोरी के एक आरोपी को छुड़वाने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप भी सामने आया है। आईएएस पर लगा यह नया आरोप क्या है, थोड़ी देर में यह पूरा मामला आपको मैं बताऊंगा। लेकिन पूजा ही नहीं, आरोप में तो उनकी मां भी आ गई हैं और मां पर गंभीर आरोप है। पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का एक वीडियो जो सामने आया है उसमें वो पिस्टल और बाउंसर्स के साथ दिखाई दे रही हैं और बताया ये जा रहा है कि इस वीडियो में ट्रेनी आईएएस की मां एक किसान को जमीन बेचने के लिए धमकी दे रही है। पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने कल आपको मनोरमा खेड़कर की एक दबंगई दिखाई थी। मुंबई पुलिस आईएएस पूजा खेड़कर से पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंची थी तो उनकी मां मनोरमा ने ना सिर्फ पुलिस से बदसलूकी की बल्कि घर को अंदर से बंद भी कर लिया। अब आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा पर पिस्टल दिखाकर किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लग रहा है।
हाथ में पिस्टल लहराती ये महिला आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर। मनोरमा खेडकर का ये वीडियो पुणे के मुलशी का बताया जा रहा है। जिस जगह का ये वीडियो है वो पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर की ही प्रॉपर्टी है। आरोप है कि खेडकर परिवार ने अपनी 25 एकड़ जमीन के आसपास बाकी जमीनों को हथियाने की भी कोशिश की थी। इस काम के लिए कोई और नहीं बल्कि आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खुद पिस्टल लेकर किसानों को धमकाने के लिए पहुंच गई थी। बताया जा रहा है कि मनोरमा खेडकर किसानों की जमीन हथियाने के लिए अपने साथ बाउंसर और बुलडोजर लेकर गई थी। खेडकर परिवार ने मुलछी में एक किसान से 3 एकड़ जमीन और खरीदी। ये जमीन आईएएस पूजा खेडकर के नाम पर ली गई। पावर ऑफ अटॉर्नी पूजा की मां मनोरमा के नाम पर थी, लेकिन 3 एकड़ जमीन का कब्जा लेने के लिए वो खुद मुलछी पहुंच गई। आरोप ये भी लग रहे हैं कि मनोरमा खेडकर ने 3 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जे की कोशिश की। किसानों ने जब इस बात का विरोध किया तो मनोरमा ने पिस्टल निकाल ली। मैडम आपलं कायदेशीर चालू आहे। मैडम आपण सुशिक्षित लोक आहोत। उनकी जगह इतनी ज्यादा नहीं है, इनकी ज्यादा लगभग 3-4-5 एकड़ ज्यादा से ज्यादा होगी, लेकिन ये मामला पूरा 40-45 एकड़ का है। तो वो उनका ऐसा मानना है कि ये पूरा जगह पे हम ये करना चाहते हैं, मतलब तावा डालना चाहते हैं। उन्होंने मेरे माताजी और पिताजी को गाली दिया और दम दाटी किया और उन्होंने मेन करके इधर पिस्टल दिखाया और पिस्टल का धाक दिखाया मेरे माताजी पिताजी को। इनको ये पिस्टल है, ये जो शस्त्र है वो इसीलिए दिया है क्या, खेती वाले किसान है इनको धाक दिखाने के लिए दिया है या सुरक्षा के लिए दिया है। किसानों को धमकाती दिख रही मनोरमा खेडकर का ये वीडियो साल 2023 का बताया जा रहा है, लेकिन क्या एक आईएएस के परिवार पर जमीन कब्जा करने के आरोप सही हैं? इसका जवाब देने के लिए ना तो आईएएस पूजा खेडकर सामने आ रही हैं और ना ही उनके माता पिता। लेकिन खेडकर परिवार के वकील का कहना है कि मनोरमा खेडकर ने अपने बचाव के लिए पिस्टल निकाली थी, ना कि किसानों को धमकाने के लिए। ये मामला अदालत में चल रहा है। मेरे क्लाइंट ने वहाँ पर जमीन खरीदी है। स्थानीय लोगों से उनका कोई विवाद चल रहा है। इस विवाद के चलते उन लोगों पर मामला भी दर्ज हुआ। वहाँ पर कोई आबादी नहीं है, वो इलाका दूर दराज इलाके में है, इसलिए मनोरमा खेडकर ने सेल्फ डिफेंस में ये पिस्तौल निकाली थी। हैरानी की बात यह है कि वीडियो में हथियार आईएएस की मां मनोरमा खेडकर के हाथों में दिखाई दे रहा है, लेकिन मामले में आरोपी स्थानीय किसानों को बनाया गया है। इसीलिए सवाल पुणे पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि क्या इस मामले में भी आईएएस पूजा खेडकर, उनके रिटायर्ड पिता और खेडकर परिवार ने अपनी हनक और पॉलिटिकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया था। कानून की रखवाली करने का जिम्मा सरकार के नुमाइंदों पर, अधिकारियों पर होता है, लेकिन यहाँ पर आईएएस बनी पूजा खेडकर के माता और पिता, जो खुद एक आईएएस अधिकारी रहे हैं, पिस्तौल तानकर यहाँ के किसानों की जमीन हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका संज्ञान ना यहाँ की पुलिस ले रही है ना प्रशासन।
इससे सवाल यही पैदा होता है कि यहाँ पर वाकई में कानून का राज बचा है या फिर माफिया राज शुरू हो गया है। ऐसा लगता है पावर का बुखार पूरे खेड़कर परिवार के सिर पर चढ़ा है। आईएएस की मां के तेवर देखकर इसका अंदाजा आपको भी हो गया होगा। अभी आईएएस पूजा खेड़कर का ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, लेकिन प्रशिक्षण पूरा होने से पहले ही पूजा ने कलेक्टर बनने वाले तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि पूजा खेड़कर ने नवी मुंबई पुलिस में एक डीसीपी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। दावा यह किया गया है कि पूजा ने चोरी के एक आरोपी को छोड़ने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया। आरोप के मुताबिक करीब 2 महीने पहले 18 मई को नवी मुंबई के पनवेल थाने की पुलिस ने चोरी के आरोप में ईश्वर औताड़े नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। आईएएस पूजा खेड़कर ने इस मामले में दखल देते हुए डीसीपी विवेक पानमत्सरे को फोन किया। क्या कहा पानसरे से उन्होंने? उन्होंने कहा आरोपी ईश्वर औताड़े को छोड़ दीजिए, लेकिन पुलिस ने आईएएस की बात नहीं मानी। नई मुंबई पुलिस ने गृह मंत्रालय को इस मामले की रिपोर्ट दी है। पूजा खेड़कर अगर अपने बैकग्राउंड के दम पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती हैं तो उन पर ये लग रहे आरोप शायद आपको ये बता देंगे कि किस तरह से आईएएस की पूरी ट्रेनिंग होने से पहले ही उन्होंने ये अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। जरा सोचिए कि अगर कोई अधिकारी ट्रेनिंग पीरियड में ही ऐसा कर रहा है तो जब वो पूरी ट्रेनिंग करके सीनियर पोजीशन पर पहुंचेगा तब उसके तेवर क्या होंगे? पूजा खेड़कर पर आईएएस अफसर बनने के पहले के भी आरोप हैं और बाद के भी। आईएएस अफसर बनने की ज्वाइनिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी के भी आरोप लग रहे हैं और आईएएस अफसर की ट्रेनिंग के दौरान अपनी पावर के गलत इस्तेमाल के भी आरोप लग रहे हैं। आरोपों का पूरा बैकग्राउंड अब मैं आपको समझाता हूं। पूजा खेड़कर के पास करीब 22 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इससे पूजा को सालाना 42 लाख रुपए की कमाई होती है। फिर भी पूजा ने खुद को नॉन क्रीमी लेयर में होने का दावा किया है। यूपीएससी परीक्षा के दौरान पूजा ने यह दावा किया कि वो विजुअली और मेंटली डिसेबल्ड है। आरोप है कि पूजा को 6 बार मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया, लेकिन वो एक बार भी नहीं गई और ना ही यूपीएससी को अपनी डिसएबिलिटी का उन्होंने वैद्य रिपोर्ट सबमिट किया। पूजा खेड़कर पर लगे तमाम आरोपों की जांच गृह मंत्रालय की एक कमेटी ने शुरू कर दी है। तमाम आरोपों पर आईएएस पूजा खेड़कर का क्या कहना है, अब आप वो सुनिए। मैंने जैसे पहले ही आपको बोला, आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू से एनीथिंग टू द मीडिया। मेरा जो भी सबमिशन होगा मैं वो कमेटी को कर दूंगा। मैं आपको वही बोल रही हूँ, आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू टॉक ऑन दिस इशू एंड मेरा जो भी सबमिशन होगा, जो भी है, आई विल गिव इट टू द कमेटी, बट आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू से एनीथिंग टू द मीडिया। प्लीज, जो भी होगा मैं कमेटी को सबमिट करूंगी, बट अभी मैं आपसे बात करने के लिए, यहाँ पे कुछ कहने के लिए, आई एम नॉट ऑथराइज्ड, द रूल्स डू नॉट परमिट मी, I am not authorized to say anything. रूल्स तो शायद इनको वो भी इजाजत नहीं देते हैं जो इन पर आरोप लगे हैं वैसा करने की। खैर, गृह मंत्रालय की जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि पूजा आईएएस के पद पर बनी रहेंगी या नहीं। पता चला है कि गृह मंत्रालय पूजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मन बना चुका है। पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद महाराष्ट्र सरकार लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी को आईएएस के प्रोबेशन पीरियड के बारे में फीडबैक देगी। अगर महाराष्ट्र सरकार ने फीडबैक में पूजा खेड़कर का कामकाज सही नहीं बताया या सही नहीं निकला तो एकेडमी पूजा खेड़कर का ट्रेनिंग पीरियड और बढ़ा सकती है। इसके अलावा एकेडमी के पास पूजा खेड़कर को बर्खास्त करने का भी अधिकार है। एक और खास बात, और वो ये है कि अगर पूजा खेड़कर पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी हो सकती है। अब पटियाल हाथरस में मारे गए 121 भक्तों के कातिल की तलाश करेगा। पब्लिक इंटरेस्ट में हाथरस कांड की कवरेज का आज 12वां दिन है। पटियाल पब्लिक इंटरेस्ट में लगातार बाबा, उसके पूरे सिस्टम और उसका जो ये भक्ति का अंदाज है उस पर सवाल उठा रहा है। 12 दिन में मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि भोले बाबा 121 भक्तों की मौत का जिम्मेदार है। बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन सरकार में खामोशी पसरी है। एक्शन के नाम पर चंद अफसर सस्पेंड किए गए। हो सकता है सरकार की राजनीतिक मजबूरियां हो, लेकिन
121 मौतों के कसूरवार पर इतनी मेहरबानी क्यों? क्यों एक राजनीतिक दल को छोड़कर सब बाबा पर चुप्पी धारण करके बैठे हैं? पीड़ित बाबा को दोषी मानते हैं, फिर भी सिस्टम के हाथ बाबा के गिरेवान तक पहुंचते हुए कांप रहे हैं। 121 भक्तों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। याचिकाकर्ता ने पूरे मामले की न्यायिक जांच से लेकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करने से मना कर दिया। क्यों मना किया वो भी बताएंगे, लेकिन पहले आप ये सुन लीजिए कि सर्वोच्च अदालत ने याचिका क्यों ठुकराई, सुनवाई करने से क्यों मना किया। कोर्ट ने यह कहा, निश्चित तौर पर हाथरस केस चिंताजनक और गंभीर मसला है। हाई कोर्ट मजबूत न्यायालय है, इस केस में उचित सुनवाई करने में सक्षम है, इसलिए याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखे। इस केस में सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज किया। अब उसके कुछ बड़े पॉइंट्स आपको बता देता हूं। पॉइंट नंबर 1, यूपी सरकार नगर निगम से चूक हुई। पॉइंट नंबर 2, प्रशासन निगरानी बनाए रखने और व्यवस्था बरकरार रखने में विफल रहा। पॉइंट नंबर 3, भीड़ कंट्रोल करने में जिन्होंने लापरवाही बरती उनके खिलाफ एक्शन हो। और पॉइंट नंबर 4 क्या दिया गया था पिटीशन में, राज्यों में बड़ी सभाओं के दौरान भगदड़ पर गाइडलाइंस बने, सरकार की जिम्मेदारी तय हो। 5वां पॉइंट ये लिखा गया था उसमें कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए मेडिकल व्यवस्था को मजबूत किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में और क्या कुछ हुआ, याचिकाकर्ता विशाल श्रीवास्तव के पास इसकी पूरी डिटेल्स हैं, आप उनसे ही सुन लीजिए। जो हाथरस से रिलेटेड पीआईएल फाइल की थी उस पर सुनवाई हुई, तो उस पीआईएल में हमारी ये मांग थी कि जो घटना हुई है उस पर एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, साथ ही में एक स्टेटस रिपोर्ट कॉल की जाए और सभी स्टेटों से जवाब मांगा जाए कि मेडिकल फैसिलिटी जो है इमरजेंसी के दौरान उनकी क्या स्थिति है उन स्टेटों में, इसको लेकर जवाब दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस तरह के मामलों में हाईकोर्ट सक्षम है और हम आपको लिबर्टी दे रहे हैं कि आप हाईकोर्ट जाके और इस मैटर को फाइल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट जाने के लिए हमको लिबर्टी दी गई है, ऑर्डर पास किया गया है और याचिका जो है वो निस्तारित कर दी गई है। जैसा आदेश आता है अभी उसकी कॉपी आना बाकी है, उसको देखकर आगे का निर्णय लेंगे कि हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की जाए और अन्य किन किन बिंदुओं पर प्रस्तुत की जाए। 121 भक्तों की मौत के बाद बाबा एक बार सामने आया, अफसोस जताया, भगदड़ को साजिश बताया और फिर अंडरग्राउंड हो गया। बाबा गायब है लेकिन उसके वकील एपी सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है ताकि बाबा को बचाया जा सके। एपी सिंह ताल ठोक रहे हैं कि भगदड़ वाली साजिश बाबा के खिलाफ नहीं बल्कि योगी सरकार के खिलाफ रची गई थी। धूली की जो बात थी वो गलत है, झूठी है, बिल्कुल बिल्कुल साजिश है, यही तो षड्यंत्र है। 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं, लोगों को परेशानी है, वो सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश हो सकती है, राजनीतिक साजिश हो सकती है। वो वहां से 30-35 मिनट पहले जा चुके थे, उन्हें बुलाया गया, परमिशन दिखाई जाती है, वो चले आते हैं, ना नोट की अपील करते हैं ना वोट की अपील करते हैं। कभी नहीं कहा गया उनके यहाँ तो आगे रेडियस 35 मीटर का रेडियस लगा होता है, वहां कोई उनके चरणों के पास नहीं पहुंचता है, कभी पैर नहीं अब छुलाते हैं, कभी लोग गाड़ी के पीछे दौड़े नहीं, कोई दौड़ने की बात, तो डामर रोड था, डामर रोड से नीचे कालीन बिछी हुई थी, कारपेट बिछा, कहां चरण धूली है, वो जैन मुनि थोड़ी जो पैदल चल रहे, नंगे पैर नहीं चलते, जूते मोजे। कानूनी दांपेच खेले जा रहे हैं। 121 मौतों के कसूरवार को पीड़ित बनाकर पेश किया जा रहा है, बाबा ब्रिगेड हो सरकार हो, सबकी 121 मौतों में साजिश की बू आ रही है। सवाल है फिर इंसाफ कैसे होगा, क्या बाबा बच जाएगा, क्या बाबा के दामन पर लगे दाग धुल जाएंगे। कानून के जानकार मानते हैं कि बाबा का जेल जाना तय है, क्योंकि भोले बाबा के नाम और चेहरे पर ही ये भीड़ जुटी थी। करप्ट सिस्टम ने कावेरी को कैसे मार डाला। वर्ली हिट एंड रन केस में खाकी कैसे कसूरवार है। एक बार पर बुलडोजर चला, दूसरे को किसने बचाया, क्या सिस्टम की बुलडोजर स्ट्राइक तमाशा भर है। मुंबई में रात 1:30 बजे तक बार खोलने की परमिशन,
फिर रईसजादे के लिए 3:30 बजे तक बार किसकी मर्जी से खुला। रसूख के आगे मुंबई में कानून कैसे सरेंडर हुआ। वर्ली हिट एंड रन केस सिस्टम की नाकामी का जिंदा सबूत। पब्लिक इंटरेस्ट में अब आपको वर्ली हिट एंड रन केस पर बड़ा अपडेट देना है। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे अहंकार विनाश की ओर लेकर जाता है। आज आपको यह बताना है कि अगर सिस्टम सही तरीके से काम करता तो मुंबई की कावेरी जिंदा होती। आरोपी मिहर ने वारदात से पहले 2 बार में शराब पी। इकबालिया बयान में वो अपना गुनाह कबूल कर चुका है। आज इस केस में कई खुलासे हुए हैं, इनका अपडेट आपको देता हूं। पहला खुलासा यह हुआ है जिसमें दावा किया गया है कि हादसे वाली रात ठीक 3:30 बजे मिहर शाह दूसरे बार में पहुंचा, मलाड़ के साई प्रसाद बार में। मिहर ने 2 लीटर बियर और 4 लार्ज पैग विस्की खरीदी। दूसरा खुलासा क्या हुआ है, महाराष्ट्र में बार रात 1:30 बजे बंद हो जाते हैं, फिर भी मिहर को 3:30 बजे शराब कैसे मिल गई। दावा है कि शाह परिवार के रसूख ने आधी रात बार के शटर खुलवा दी। मलाड़ के जिस साई प्रसाद बार में मिहर गया था वहां शराब पी थी, वो बार 2 दिन से बंद पड़ा है। स्टाफ और कर्मचारी फरार हैं या ये कह लीजिए कि गायब है। बार के बाहर रेनोवेशन का एक बोर्ड लटका हुआ है, ये बार किसका है, क्या रेनोवेशन के पीछे कोई खास खेल है। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल ने इसकी पड़ताल कराई। हमारे सहयोगी मृत्युंजय बार का एक ऐसा सच खोज लाए जो आपको जरूर देखना चाहिए। BMW कार लेकर वो मुंबई के मरीन ड्राइव की तरफ निकला। इसके पहले ही वो 4 लार्ज पैक विस्की पी चुका था और फिर जब मरीन ड्राइव की तरफ जा रहा था तो बीच में मलाड़ में रुककर इसी बार में उसने 2 लीटर बियर कंज्यूम किया। 2 लीटर यानी 4 बियर की बॉटल यहां पर खरीदी और उसके बाद इस बियर की बॉटल को लेकर वो मरीन ड्राइव की तरफ निकल गया। ये लगभग खरीदारी उसने 3:30 बजे की। अब सवाल ये उठता है कि 3:30 बजे ये बार एंड रेस्टोरेंट जो किचन बार है साई प्रसाद, ये क्यों खुला हुआ था और अगर ये खुला हुआ था तो इसका जिम्मेदार कौन है। सवाल ये है कि अगर हिट एंड रन की घटना होती है, आरोपी ने ड्रिंक किया हुआ था, तो इतनी रात तक उसे ड्रिंक कैसे उपलब्ध हो रहा था। हिट एंड रन केस में कई कड़ियां हैं जिसकी गुत्थी को हमें सुलझाना है, लेकिन हमारी पड़ताल से एक बात स्पष्ट हो गई है कि महाराष्ट्र में बार मालिक कानून को ठेंगा दिखाते हैं। रात रात भर बार खुले रहते हैं और जिन पर कानून को अमल में लाने का जिम्मा है वो गहरी नींद सोते रहते हैं। वैसे सोए सिस्टम को जगाना पटियाल का प्रमुख एजेंडा है। अब प्रशासन कैसे हरकत में आया इसका लेटेस्ट अपडेट आपको देता हूं। चंद घंटे पहले मलाड़ के साई प्रसाद बार पर ताले लटके थे, रेनोवेशन का बोर्ड था जो मेरे अभी सहयोगी ने आपको दिखाया। उसी बार में एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम पहुंची, टीम ने बार का हर दस्तावेज खंगाला, रिकॉर्ड चेक किए, बार में आने वालों की एंट्री और एग्जिट का रिकॉर्ड देखा, टाइम देखा। एक्साइज डिपार्टमेंट ताल ठोक कर यह कह रहा है कि अगर 3:30 बजे शराब परोसने की बात सच साबित हुई तो बार को सीज किया जाएगा। इस केस में एक और बड़ा अपडेट आपको देना है। मिहर को लेकर आज पुलिस वर्ली सी लिंक पर पहुंची। क्यों पहुंची, दावा है कि यही मिहर शाह ने बियर के केन फेंके थे। ये केन मिहर ने साई प्रसाद बार से खरीदे थे। मिहर ने बियर के कैन वहां सीलिंग पर पास क्यों फेंके, इसके पीछे क्या थ्योरी है, इसकी भी पड़ताल हमने की है। राजीव सिंह नाम के जो आरोपी है उसका बयान पुलिस ने दर्ज किया है और उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन जो मालिक है वो कह रहा है कि मैं कोई मालिक नहीं हूँ, यानी वो भी अपनी जवाबदेही से बच रहा है। अब हरकत में एक्साइज डिपार्टमेंट आया है। एक्साइज डिपार्टमेंट के 8 से 10 कर्मचारी मुंबई के मलाड़ इलाके में स्थित साई प्रसाद बार किचन में पहुंचे। यहां पर उन्होंने कागजों की जांच पड़ताल की, सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल की और आगे की कार्रवाई करेंगे। और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि इस मामले में एक्साइज विभाग की तरफ से इस बार को नोटिस जारी किया जाएगा। पहले पुलिस और फिर एक्साइज विभाग हरकत में आई है। इतना ही नहीं, BMC भी इस मामले में जानकारी हासिल कर रही है, क्योंकि इसका जो कई स्ट्रक्चर है वो अवैध भी बताया जा रहा है, आगे का स्ट्रक्चर अवैध तरीके से बनाया गया है, तो ऐसा संभव है कि BMC भी आने वाले दिनों में कार्रवाई करेगी। बार का मालिक कौन है पता नहीं, 1:30 बजे बंद होना था और 3:30 बजे तक चल रहा है, कमाल हो गया। और पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट को तब तक ये पता नहीं चला जब तक ये हादसा नहीं हो गया।
सवाल कई उठ रहे हैं। होटल और बार खुलने और बंद होने के लिए नियम और वक्त दोनों तय है। इसके बावजूद आरोपी मिहिर रात भर शराब कैसे पीता रहा? पटियाल यहां कुछ सवाल खड़े करना चाहता है। बार और पब को वक्त पर बंद कराने की जिम्मेदारी किसकी है? बार रात को 3:30 बजे आखिर क्यों खुला था? रात को 3:30 बजे बार से मिहिर को 2 शराब की बॉटल्स और विस्की किसने दी? उसने कैसे खरीद ली? देर रात मिहिर को शराब मिलने के पीछे कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेदार है? मुंबई जैसे शहर के आसपास बार और पब चलाने वाले गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो ऐसे में हिट एंड रन मामले में प्रशासन की जिम्मेदारी क्यों तय ना हो? हम इन सवालों से भाग नहीं सकते। पटियाल को लगता है कि मिहिर ने जो किया उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन प्रशासन अपनी लापरवाहियों से मुंह कैसे मोड़ सकता है, अपनी जिम्मेदारियों से कैसे बच सकता है? पटियाल ने हमेशा नियमों के साथ खड़े होकर उनका साथ दिया है। नियम कानून से अगर चीजें हो रही हैं तो शायद ऐसे कई बड़े हादसे टल सकते थे, लेकिन जब सिस्टम और प्रशासन आंखें मूंद लेता है तो फिर इसी तरह के हादसे होते हैं। प्रशासन ने जिन नियमों को ठीक से लागू नहीं करवाया, अब वो नियम मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र में शराब की दुकानें 3 तरह की होती हैं। पहली होती है वाइन शॉप्स। यहां दुकानों से ग्राहक शराब खरीद सकते हैं, पार्सल के तौर पर लेकर जा सकते हैं। ऐसी दुकानें सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक खुली रह सकती हैं। अब दूसरी दारू की दुकानें होती हैं, उनका नियम क्या है वो जान लीजिए। यहां ग्राहक दुकान में बैठकर ही ड्रिंक कर सकते हैं, सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक ये खुली रह सकती हैं। तीसरी कैटेगरी में आते हैं बार एंड रेस्टोरेंट और डिस्को पब। यहां ग्राहक खाने पीने के साथ ड्रिंक कर सकते हैं, ये सुबह 10 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक खुले रह सकते हैं। अब आप बताइए, 1:30 बजे के बाद तो शराब की दुकानें खुली नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी 3:30 बजे साईं प्रसाद बार से मिहिर को 2 लीटर बियर और विस्की भी मिल गई। महाराष्ट्र में शराब को लेकर एक और नियम आपको बता देता हूं। लाइट बियर पीने के लिए 18 साल तक की उम्र होना जरूरी है, वहीं स्ट्रांग बियर पीने के लिए उम्र 21 साल से ज्यादा होना जरूरी है। हार्ड ड्रिंक्स पीने के लिए उम्र 25 साल से ज्यादा होना जरूरी है। क्या आपको पता था कि ड्रिंक करने के लिए एक परमिट की भी जरूरत होती है? एक दिन के लिए परमिट 5 रुपए में मिलता है, वहीं सालाना परमिट लेने के लिए एक्साइज विभाग को 1100 रुपए चुकाने पड़ते हैं। इस परमिट से ग्राहक पूरे महाराष्ट्र में 12 बोतल शराब अपने पास रख भी सकते हैं। अब आपको इस पूरे मामले में एक्साइज विभाग के अधिकार भी बता देता हूं। यदि ग्राहक के पास परमिट नहीं है और वो शराब पी रहा है, पार्सल लेकर जा रहा है, तब भी विभाग उस पर एक्शन ले सकता है। तय वक्त के बाहर अगर दुकानदार शराब बेचते पाए जाते हैं तो एक्साइज विभाग नोटिस जारी कर सकता है या दुकान का लाइसेंस रद्द भी कर सकता है। हिट एंड रन मामले में मैं यही आपको आज एक और बात बताना चाहता हूं। सिस्टम अपना काम वक्त और पूरी ईमानदारी से करता तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था। मिहर को उसको किए की सजा मिले, लेकिन प्रशासन की भी जिम्मेदारी तय हो ताकि वर्ली और पुणे जैसे मामले हमेशा के लिए कम से कम रोके जा सके। पब्लिक इंटरेस्ट में अब मैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम की दिक्कतों का परीक्षण करूंगा। यूपी की शिक्षा व्यवस्था में फैली जो दिक्कतें आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उन्हें दूर करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन परेशानियां दूर किए बिना यूपी में उत्तम शिक्षा मिलने की उम्मीद बेमानी है। कोई भी बच्चा शिक्षा से दूर ना रह जाए, इसके लिए देश में राइट टू एजुकेशन का कानून लागू है। गरीब तबके से आने वाले बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाई का मौका मिले, RTE यानी राइट टू एजुकेशन कानून में इसका भी इंतजाम है। इसके बावजूद EWS कैटेगरी के तहत आने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिलने में दिक्कत हो रही है। यूपी के गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट स्कूल गरीब बच्चों को सामने दाखिले की दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं, उन्हें दाखिला नहीं दे रहे हैं। दिक्कत में यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। मुरादाबाद के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया गया, बच्चों के लिए वाटर कूलर, पंखा, बिजली, स्मार्ट क्लासरूम सब कुछ हो गया। स्कूलों की बेहतरी के लिए हर जरूरत पूरी कर दी गई सिवाय शिक्षकों की कमी के। यूपी के टीचरों को योगी सरकार के नए सिस्टम से दिक्कत है, जिसमें उनके लिए डिजिटल अटेंडेंस जरूरी कर दिया गया है। इसीलिए यूपी के सरकारी टीचर हाजिरी वाली नई व्यवस्था वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। यूपी के एजुकेशन सिस्टम में बड़ी दिक्कतें हैं।
वो अनुदेशक भी यहां पर हैं, जिन पर पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का भार डाल दिया गया है, लेकिन आज उन्हें भी वाजिब तनख्वाह नहीं मिल रही है। टैब हमें उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो डिजिटल हाजिरी आप लगा रहे हैं या अभी उसका विरोध है? नहीं, अभी हम विरोध कर रहे हैं, उसका अभी नहीं लगा रहे हैं। शिक्षा मित्र मुक्त तो नहीं है, इसी में शामिल किया जाता है। विरोध क्या सर, मुश्किलें तो है ही, एटलीस्ट शहर में ना सही लेकिन गाँव में तो मुश्किलें पहुँचने में आती है। मेरा नाम आ गया, मैं उनको सब मैंने पूरे पेपर दे दिए, उन्होंने मुझे एक दिन पेपर रख लिए, फिर दूसरे दिन मुझे बुलाया कि आपका लिस्ट में नाम नहीं आया, जबकि लिस्ट में नाम आया होगा, जब भी तो मेरा निकला है। तो ये 8 क्लासों की पढ़ाई आप 4 लोग कैसे कर पाते हैं? जैसे भी करते हैं पढ़ा भी रहे हैं, आपने देखा होगा एक टीचर दो पढ़ा रही, दो क्लासे पढ़ा रही। सर स्टाफ थोड़ा सा शॉर्टेज है स्टाफ की, दो क्लासे सब टीचर देखते हैं। जिस तरह से हम लोग 9000 रुपये में अपना घर चला रहे हैं बच्चों के साथ बीबी के साथ, और हम इस तरह से जीवन यापन भी नहीं कर पा रहे हैं 9000 रुपये में। पता नहीं सैलरी वही मिल रही है, सैलरी का क्या मुद्दा है, समान कार्य समान वेतन क्यों लागू नहीं हो रहा, जब सारा काम वही कर रहे हैं हम लोग जो टीचर कर रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में करीब 2 महीने पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे यूपी के गाजियाबाद और नोएडा के प्राइवेट स्कूल शिक्षा के कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को आरटीई के तहत दाखिला देने से इनकार कर रहे हैं। आरटीई कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कोटा तय है, प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत बच्चों का दाखिला लेना अनिवार्य है। इसके बाद भी गाजियाबाद के 6 स्कूलों ने गरीब परिवारों के बच्चों को अपने यहां दाखिला और उनका एडमिशन प्रोसेस पूरा करके जमा दस्तावेज करवाकर मां बाप स्कूल लेकर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने दौड़ लगाते लगाते उनको ये एडमिशन नहीं दिया। प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों को क्यों एडमिशन नहीं दिया, इसका क्या कारण है? बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने वाला कानून होने के बावजूद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को एडमिशन नहीं देने का सीधा सीधा मतलब तो यही निकलता है कि प्राइवेट स्कूल कानून नहीं मान रहे। लेकिन कई रिमाइंडर देने के बावजूद गाजियाबाद प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी खत्म करने के लिए 6 स्कूलों की मान्यता को रद्द करने की तैयारी कर ली है। गाजियाबाद के जिन 6 स्कूलों को आरटीई कानून की अनदेखी करके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एडमिशन नहीं देने के लिए रद्द करने की उनकी मान्यता बात हो रही है, उनमें कौन कौन से शामिल हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ रोड, दिल्ली पब्लिक स्कूल लोनी, सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, राजनगर एक्सटेंशन सीपीआरए पब्लिक स्कूल और शंभूदयाल ग्लोबल स्कूल के नाम इसमें शामिल हैं। कानून तोड़कर मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है, इस सवाल पर गाजियाबाद के डीएम का जवाब सुनिए। आरटी के तहत 4 लॉटरी के अंतर्गत सीटें अलॉट हुई हैं स्कूल में, इसकी संख्या लगभग 5000 है। इसके अंतर्गत तो ज़्यादातर स्कूलों ने एडमिशन ले लिए हैं, कुछ स्कूलों की शिकायतें हैं जो एडमिशन नहीं ले रहे हैं, उनके खिलाफ हमने भी और डीएम साहब की तरफ से भी उनको नोटिस भेजे गए हैं। जहाँ तक भी ज़्यादातर एडमिशन हो गए हैं, कुछ एडमिशन बचे हैं, कुछ उसमें डिस्टेंस के भी इशूज थे या जो भी, उनको सोल्व किया जा रहा है और उनके एडमिशन दिलाया जा रहा है। ये नोएडा के बीएसए की बात आपने सुनी। प्राइवेट स्कूलों में दाखिले की इसी दिक्कत का सामना नोएडा के गरीब परिवारों के कई बच्चे भी कर रहे हैं। नोएडा में कई गरीब परिवारों के बच्चों का नाम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाली इन जो एडमिशन लिस्ट है उसमें आने के बाद भी प्राइवेट स्कूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कोई दूसरा बहाना बनाकर बच्चों को स्कूलों में भर्ती करने से इनकार कर दे रहे हैं। ऐसे स्कूल कौन से हैं आप उनके नाम सुन लीजिए। दरबारीलाल फाउंडेशन वर्ल्ड रामाज्ञा स्कूल, राघव ग्लोबल स्कूल और समसारा वर्ल्ड एकेडमी, ये वो स्कूल हैं जिन पर कोई ना कोई बहाना बनाकर उस बच्चों को एडमिशन ना देने का आरोप है। नोएडा गाजियाबाद के बाद अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद लेकर चलता हूँ, जहाँ सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षकों की कमी का सामना उनको भी हो रहा है। मुरादाबाद के डांग में सरकारी स्कूल में आने वाले बच्चे आराम से पढ़ाई करें, इसके लिए सरकार की ओर से हर इंतजाम किया गया है, लेकिन
बच्चों को पढ़ाने के लिए जितने टीचर होने चाहिए उतने नहीं है। मुरादाबाद के इस कंपोजिट स्कूल में पहली से लेकर आठवीं क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम, प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट क्लासेस का व्यवस्था किया गया है। स्मार्ट क्लास के लिए सोलर पैनल से बिजली का भी इंतजाम है, साफ सफाई है, वाटर कूलर भी लगे हुए हैं। लेकिन पहली से आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा सिर्फ चार टीचर्स पर है। क्लासेस आठ हैं, टीचर चार, इनमें से भी एक असिस्टेंट टीचर है और बाकी के तीन शिक्षा मित्र हैं। हर शिक्षक एक साथ दो क्लास के बच्चों को पढ़ाता है, तब कहीं जाकर आठ की आठ क्लास को वो अटेंड कर पाता है। विद्यालय दांग है, कक्षा एक से लेकर आठ क्लास तक है यहाँ पर। अच्छा, आठ क्लास तक है, एक से आठ तक। स्टाफ कितना है, शिक्षक कितने हैं यहाँ पर? अब जो है वो एक सहायक अध्यापक है, तीन शिक्षा मित्र हैं, जो एक छुट्टी पर है, दो आए। ये आठ क्लासों की पढ़ाई आप चार लोग, बल्कि आज तो तीन ही लोग हैं, कैसे कर पाते हैं? जैसे भी करते करते हैं, पढ़ा भी रहे हैं, आपने देखा होगा, हम पढ़ा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। सर, सभी बच्चे एक ही कैटेगरी के नहीं है, हर किसी का माइंड अलग अलग है, तो बहुत परेशानी होती है। किसी को कुछ समझाना, छोटा बड़ा लेकर चलना पड़ता है, किसी को पूरे सेंटेंस बताने पड़ते हैं, बहुत परेशानी हो जाती है। सर, शिक्षकों की कमी है, क्योंकि आठ क्लास हैं जूनियर के बेस पे देखा जाए, और सबसे बड़ी बात, यहाँ जूनियर के लिए कोई टीचर नहीं है। अच्छा। जबकि साइंस और मैथ का टीचर मस्ट है, यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। मैं तो कभी देखा ही, मैनेज करते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। मैनेज हम दोनों को ही करना है, मैं हेड हूँ, मेरे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं स्कूल की, वो सब भी देखनी पड़ती हैं, और आप देख रहे हैं कि क्लासेस भी। गरीबों के उत्थान के लिए गाइडलाइंस जितनी जोर शोर से बनती हैं, उन पर अमल भी उतनी ही तेजी से होना चाहिए। सिर्फ कायदे कानून बनाने से सुधार नहीं होता। स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, पांच तारा स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगे, शिक्षा का स्तर सुधरे, इसके लिए सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। वक्त पर मॉनिटरिंग कर ऐसा किया जा सकता है, ताकि किसी भी गरीब का कम से कम पढ़ाई का हक तो ना मारा जाए। मोदी सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 25 जून 1975 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। दो दिन पहले कांग्रेस ने देश में 10 लाख संविधान रक्षक बनाने का ऐलान किया है। देश में महंगाई पर नया डेटा आ गया है। जून महीने में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 5.08% पर पहुंच गई है, जो पिछले चार महीने में सबसे ज्यादा है। खाने पीने की चीजों में सबसे ज्यादा सब्जियों के दाम बढ़े हैं। देश के महंगाई इंडेक्स में 22 राज्यों में से 12 राज्यों में रिटेल महंगाई दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। अब आपसे सोमवार को होगी मुलाकात। आप अपना ख्याल रखिए। शुभरात्रि। ABP News, आपको रखे आगे।